ठीक है वेलकम बैक और इस वीडियो में यार आप लोगों से बात करने वाला हूँ गिमलेट की ये आई एम है क्यू ओ ए की तरफ से दैट इज क्यू ओ ए इलेक्ट्रॉनिक्स अब आप सोचेंगे यार क्यू ओ ए आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा नहीं भी सुना होगा और किनेरा लेकिन आप सबने सुना होगा नॉ दिस क्यू ओ ए इज अस्टर ब्रांड ऑफ किनेरा ठीक है और भाई ये उन्हीं का आई एम है क्यू ओ ए दैट इज क्वीन ऑफ ऑडियो ये कहते हैं क्यू ओ ए को And just let me tell you one thing, I bought this item that is Gimlet from lensol.com and I received it within 20 to 25 days without any hassle. So if you want to buy your unit, you can always buy from

सी है दट इज ऑक्सीजन फ्री कॉपर बहुत अच्छी बात है एंड केबल इज फ्लेक्सिबल एंड ट्रस्ट मी वन थिंग कि यार मेरे को फिर भी ना कैडिजा की केबल थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी थी और यार आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मैक्सिमम आई होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है बेसिकली फॉर द म्यूजिक एंड उनमें आपने देखा होगा कि उनमें माइक्स जनरली नहीं होते हैं और टी आर एस कनेक्टर दिया होता है इंस्टेड ऑफ टी आर आर एस तो सिंपली यहाँ पे भी आपको टी आर एस कनेक्टर मिलता है और बिकॉज यहाँ पे माइक नहीं है गैमलेट में अब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाला हूँ इनके ईयर कप्स की तो मेरे को लगता है ना किसी भी आई एम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होते हैं इनके ईयर कप्स बिकॉज सारी चीजें वहीं

हाइब्रिड आई है डायनेमिक्राइवर यूज हुआ है ना इसमें जो डायफ्राम का मटेरियल है वो यूज हुआ है एलसीपी डेट इज लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर रिमेंबर जो हमारा यूज हुआ था सीसीआर में एंड जो में हुआ था जो मैंने लास्ट रिव्यू किया था उसमें था बेरिलियम का डायफ्राम अगर मैं यहां पर आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँ तो वो कुछ इस टाइप से है कि यहां पर आपको वन जीरो की सेंसिटिविटी मिलती है ट्वेंटी 20 ट्वेंटी का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है

ज़्यादा पावरफुल सब बेस आपको मिलता था कीवी वी ईयर्स केडिजा में जो लास्ट रिव्यू किया था और यहाँ पे इवन द बेस इज ऑल्सो मोर पावरफुल इन द कीवी ईयर्स केडिन्सा देन योर गिमलेट जैसे मैंने कहा कि यार यहाँ पे जो बेस रीजन है ना काफ़ी लीनियर चलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको म्यूजिक में ना इन इन द बेस रीजन बहुत ज़्यादा बम सुनने को नहीं मिलता है इसका जो सिग्नेचर मैं कहूँ लिटिल बिट ऑन द वार्मर साइड लेकिन उतना वॉर्म नहीं है जितना वॉर्म हल्का सा गैडेंसा था बट गिमलेट को मैं आपको ये कहना चाहूंगा लिटिल बिट बैलेंस काइंड ऑफ आई एम एट तो यहां पे यार पर बेस रीजन की बात और सब बेस रीजन की बात आप समझ गए होंगे कि यार ये कैसा साउंड करता है बेस में और ये किस वे से डिफरेंट है यहां पे गैडेंसा में केडेंजा का जो बेस था ना वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू गिमलेट अगर आपको यहाँ पे दोनों आई में से कोई चूज करना हो तो मैं कहूँगा अगर आपको थोड़ा ऐसा एम चाहिए जो थोड़ा बैलेंस साउंड करता हो जिसमें एक लीनियर काइंड ऑफ लीनियर फैशन में बेस चलता हो तो आप ऑब्वियसली यू कैन गो विद द गिमलेट अगर आपको एक ऐसा एम चाहिए जो थोड़ा पावरफुल बेस रखता हो अपने आप में देन यू कैन गो विद द केडेंजा अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यहाँ पे मिड रीजन की तो मिड रीजन जो है ये हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं जैसे हमारे होते हैं लोअर मिड्स देन वी हैव हाँ द सेंट्रल मिड्स और उसके बाद आता है अपर मिड रीजन और जैसे मैंने कहा कि जो मिड रीजन होता है ना आई का ये उनमें बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं आप यहाँ पे 10 आई रख दो 15 रख दो तो वो मिड रीजन में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं होता अच्छा डिफरेंस कहाँ पे आता है आई एम्स में डिफरेंस आता है उनके बेस रीजन में आई एम्स में डिफरेंस आता है उनके ट्रिपल रीजन में लेकिन चलिए हम फिर भी जैसे मैंने कहा कि हम मिड रीजन को तीन उसमें डिवाइड करते हैं जैसे कि हमारा हो गया लोअर मिड हो गया देन सेंट्रल मिड हो गया देन अपर मिड रीजन हो गया तो अगर मिड रीजन में भी अगर हम डिवाइड करें ना कि, कि किस तरीके से एक आई एम डिफर कर सकता है एक से दूसरे से तो वो अपर मिड रीजन होता है वहीं पे जो बहुत सेंसिटिव होता है यानी आपका फाइव किलोहट्स का रीजन हो गया आपका सेवन टू एट किलोहट्स का रीजन हो गया तो आपने देखा होगा यार अधिकतर पीक आपको जो सेवन किलोहर्ट्स का रीजन हो गया या एट किलोहट्स का जो रीजन हो गया वहाँ पे आपको पीक्स मिलती हैं तो वहीं पे यार पता लग जाता है आपको कि हाँ यार कौन सा आई कितना ज़्यादा ब्राइटर है एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर आपने देखा होगा कि लोअर मिड जो है किसी भी आई का अगर वो थोड़ा ज़्यादा वॉम है तो यार आपको ओवरऑल जो मिड रीजन होगा ना वहां आपको स्मूद फीलिंग आने वाली है वोकल्स की स्मूद वो एक स्मूद साउंड करते हैं वो आई इन जनरल और कोई आई ऐसा है अगर उसमें लोअर मिट्स थोड़ी उसके रिसिस्ट हैं और अपर मिट्स थोड़ी ज़्यादा उठी हुई हैं एंड आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा ब्राइट होने वाला है तो जैसे मैंने कहा कि यार गिमलेट एंड दिस केडिजा ऑलमोस्ट साउंड लगभग एक जैसे साउंड करते हैं मिड रीजन में बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है स्मूद है मिड रीजन वोकल दोनों में ही स्मूद है और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यार ये थोड़ा बैलेंस है गिमलेट और इसका जो टिम्बर है ना गिमलेट का ये थोड़ा थिक है कंपैरिजन टू योर तो ये था इनके मिड रीजन की बात जैसे मैंने कहा कि यार ऑलमोस्ट एक जैसा साउंड करते हैं लगभग लगभग और अगर मैं आता हूं यहां पर अपर मिड रीजन में तो ऑब्वियसली अपर मिड रीजन में थोड़ा बहुत जो आपको शार्पनेस दे सकता है वो है यहां पर और गिमलेट आपको नहीं देगा इवन एट इट दाइर वॉल्यूम यानी कि आप लाउडर वॉल्यूम पे भी सुनते हैं ना तो गिमलेट में आपको बहुत ज्यादा यार हार्शनेस सुनने को नहीं मिलती है हार्शनेस इवन आप केडेंजा में भी नहीं मिलती थी तो यहाँ पे अपर मिड रीजन

और थोड़ी डिटेलिंग तो दोनों में एक जैसी है डिटेल न पे एक जैसी है लेकिन थोड़ी आपको क्रिस्पनेस चाहिए ना तो यू कैन ऑलवेज गो विद द केडेंजा क्योंकि वहाँ पर जिसका ट्रिबल रीजन है ना वो मेरे को ज़्यादा सही लगा और इसलिए मैंने कहा था कि यार जो कैडेंजा है ना इसमें ट्रिबल की प्रेजेंस जो है वो थोड़ी हल्की सी ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दोनों आइटम्स किस वे में डिफरेंट हैं एक दूसरे से एक अच्छा खासा बेस जो कि लीनियर फैशन में चलता है वो है आपका गिमलेट एंड uh, यहाँ पे वोकल्स दोनों ही अच्छे हैं सॉफ्ट वोकल्स हैं हल्का सा जो अपने में थिकर टोनालिटी रखता है वो है यहाँ पे गिमलेट देन कैडेंजा कैडेंजा को मैं बैलेंस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस की जो प्रेजेंस है वो भी आपको थोड़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है और यहाँ पर जो ट्रिबल का प्रेजेंस है कैडेंजा में वो भी थोड़ा ज़्यादा सुनने को मिलता है बट जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल ट्वेंटी टू ट्वेंटी किलोमीटर्स का जो स्पेक्टर्म है वहाँ पर काफ़ी लीनियर चलते हैं आपके गिमलेट थोड़े बहुत बैलेंसड यहाँ पे साउंड होते हैं यानी कि किसी भी जॉनरा के लिए कोई भी म्यूजिक के लिए यार आप गिमलेट को आसानी से यूज कर सकते हो फ्रॉम क्लासिकल टू रॉक एंड पॉप जो भी आप सुनना चाहते हो ईडीएम से लेके कुछ भी अगर मैं कहूँ यार इन दोनों में से पैपीयर कौन है ज्यादा ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैडेंस है वो थोड़ा ज्यादा पेपी आई एम है कंपेरिजन टू गिमलेट तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ इनकी इमेजिंग और साउंड स्टेज की बात तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर जो कि बिल्कुल सही चीज है और सत्य वचन ये है कि यार बिल्कुल आपको साउंड स्टेज और इमेजिंग बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती आई एम टू आई एम ठीक है ना साउंड स्टेज ऑब्वियसली आई में बहुत ज्यादा वाइड नहीं मिलता है दे दे साउंड वेरी क्लोज टू इयर्स ये एक सच्ची बात है एंड यू कैन गेट अ लिटल बिट ऑफ वाइडर साउंड स्टेज एंड द हेडफोन्स स्पेशली जो ओपन बैक्स होते हैं बट यहाँ पे ऐसा उतना कुछ नहीं साउंड स्टेज दोनों का अच्छा है इमेजिंग भी एडिक्वेट है ठीक है आपको ठीक ठाक फील होती है एंड स्पेशली कुछ ऐसे आइम्स होते हैं जो स्पेशली गेमिंग के लिए ट्यून किए जाते हैं तो वहाँ पे यार थोड़ा साउंड स्टेज हल्का सा वाइड और इमेजिंग आपको बेटर मिल सकती है बट दैट डजेंट मीन कि यार वहाँ पे आपको म्यूजिक में भी उतना मजा आएगा बहुत ज़्यादा साउंड स्टेज होने का मतलब जानते हैं क्या होता है इमेजिंग का खराब होना तो जब भी आप साउंड स्टेज की बात करते हैं तो एक कोई भी आई आप ले लेंगे ना उसमें एक साउंड स्टेज ठीक ठाक आपको मिलता है अगर जो अच्छे ढंग से ट्यून्ड है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैडेंसा हो गया गिमनेट हो गया टेंगसू वॉनर हो गया मून ड्रॉप चू हो गया सब में साउंड स्टेज लगभग लगभग एक जैसा मिलता है ठीक है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और ये मैं उन आई की बात कर रहा हूँ उन हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ जो अच्छे ढंग से बनाए गए हैं अच्छी ब्रांड्स के हैं और जो अच्छे ढंग से ट्यून किए गए हैं उन आई की बात कर रहा हूँ उनकी नहीं जो कि चलते में बना दी जाते हैं पब्लिक को थ्रो कर दिए जाते पब्लिक पे कि भाई ये है खरीदो और सुनो तो गई पे था यारिव्यूट का जो कि मैंने लिया था लिंसोल से जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स तो गाइज मेरा नाम दिनेश मिलूंगा यार किसी अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही एंड इफ यू आर न्यू टू दैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दैनल गाइज एंड इससे थोड़ा बूस्ट मिलता है एंड टिलेक ऑफ यूर सेल्फ बाई